स्वागत है आपका क्रिकेट से के अवार्ड्स में। पिछले 10 साल बीत गए और काफ़ी ऐसी यादें होंगी आपकी जो आपने बिताई होगी क्रिकेट मैच देखते हुए। तो उसी यादों में आज हमें अवार्ड्स हैं हमारे चैनल पे, पूरे 10 सालों के अवार्ड्स। तो उसमें कैटेगरीज हैं बहुत सारी, मैं कैटेगरीज आपको बता दूँ। ये टेस्ट मैच और ODI की अलग अलग अवार्ड्स हैं। पहले टेस्ट मैच में है बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, ऑफ द डिकेड, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर और बेस्ट विकेट कीपर। ये डेकेड के हैं टेस्ट मैचेस में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द डेकेड, और इसके नॉमिनीज हैं स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और केन विलियमसन। मैं दो और प्लेयर के भी नाम ले सकता था लेकिन वो पीछे छूट चुके हैं, जो रूट और एलिस्टर कुक। तो मैंने इसको इसमें सेलेक्ट किया है बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द डेकेड में स्टीव स्मिथ को। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे ये सारे क्वेश्चन डाले थे तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो आए थे विराट द रन मशीन कोहली को। लेकिन मैंने स्टीव स्मिथ को सिलेक्ट किया है क्योंकि जो पिछले 10 सालों में टेस्ट क्रिकेट में खेल दिखाया है स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए, काफ़ी शानदार रहा है और 64 की एवरेज। लेकिन मेरे सिलेक्ट करने से क्या होता है, जो आप लोगों ने विराट कोहली को PR दिया है तो विराट कोहली को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द डेकेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट बॉलर ऑफ द डेकेड। और इसके नॉमिनीज हैं जिमी एंडरसन, रंगना हैरत और रवि अश्विन। तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया है बेस्ट बॉलर ऑफ द डेकेड में रवि अश्विन को। इनसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच पिछले 10 सालों में टेस्ट क्रिकेट में किसी ने जीते नहीं, और अवार्ड्स में इन्हें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए थे। तो मैंने भी रवि अश्विन को सिलेक्ट किया है अगर पिछले 10 सालों की हम टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो। चलिए अब आता है नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द डेकेड। और इसके नॉमिनीज़ हैं आपके स्क्रीन के सामने रविंद्र जडेजा, शाकिब अल हसन और रविचंद्रन अश्विन। तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया है ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन को, क्योंकि जिस तरीके से इनकी कैप्टेंसी के साथ साथ गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग रही है, काफ़ी शानदार इन्होंने बांग्लादेश के लिए खेल दिखाया है। अपने दम पर खेलते हैं अकेले बांग्लादेश की टीम में पिछले 10 सालों में, हालांकि मुशफिकुर रहीम भी उनके साथ ठीक ठाक खेलते आ रहे थे। तो मैंने इसमें शाकिब को सिलेक्ट किया है ऑलराउंडर में। लेकिन आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं जडेजा को, तो जडेजा को आपने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द डेकेड में टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट की आखिरी नॉमिनेशंस हैं फॉर द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द डेकेड। तो इसके नॉमिनीज हैं BJ वॉर्डलिंग, MS धोनी और मुशफिकुर रहीम। तो मैंने इसमें वोट दिया है BJ वॉर्डलिंग को, न्यूजीलैंड के लिए शानदार कीपिंग करते हैं, और अगर इनके आप आंकड़े देख लीजिए, औसत देख लीजिए टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी शानदार इनका खेल न्यूजीलैंड के लिए रहता है। BJ वॉर्डलिंग को मैंने सिलेक्ट किया है फॉर द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द डेकेड में टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो दिया है MS धोनी को, 90% वोट MS धोनी के लिए आए थे। हालांकि 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन आप लोगों का प्यार अभी भी धोनी के लिए सर कायम पे है। तो ये थे कुछ टेस्ट क्रिकेट के अवार्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम ODI में, और कैटेगरी इसमें भी वही है फॉर द बेस्ट ODI बैट्समैन, बेस्ट ODI बॉलर, बेस्ट ODI ऑलराउंडर और बेस्ट ODI विकेट कीपर। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे। अब है पहले आता है नॉमिनेशन है फॉर द बेस्ट ODI बैट्समैन ऑफ द डेकेड। इसके नॉमिनीज है विराट कोहली, AB de Villiers और रोहित शर्मा। तो सबसे ज़्यादा वोट इसमें आए थे विराट कोहली के लिए, और मैंने भी विराट कोहली को ही लिया है। इनसे बढ़िया औसत सिर्फ पिछले 10 सालों में AB de Villiers का है 64 और इनका है 60 का, लेकिन रन इनके हैं 11,000। और अगर पिछले 10 सालों में ODI क्रिकेट में बात करें तो विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी कोई आया नहीं है। तो मैंने विराट कोहली को सिलेक्ट किया है पिछले 10 सालों में फॉर द बेस्ट ODI बैट्समैन। अब आगे बढ़ते हैं नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट ODI बॉलर ऑफ द डेकेड, जिसके नॉमिनीज हैं मिचेल स्टार्क, लसित मलिंगा और डेल स्टेन। तो मैंने इसमें वोट दिया है मिचेल स्टार्क को, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 2015 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा मैच खेल नहीं पाते, इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में ODI में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और top 3 हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं लसित मलिंगा को, जिन्होंने पिछले 10 सालों में ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन ODI पिछले 10 सालों में। इसके नॉमिनीज़ हैं शाकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स। तो मैंने इसमें वोट दिया है शाकिब अल हसन को, अकेले दम पे जैसे मैंने बताया है ये बांग्लादेश के लिए खेलते रहे जब मुशफिकुर रहीम बाहर थे टीम से। तो अब इस वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा विकेट लिए थे 10 से ज़्यादा और 600+ इन्होंने रन किए थे, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं।
तो मैंने शाकिब को चुना है फॉर द बेस्ट ओडीआई ऑलराउंडर ऑफ द डेकेड में, लेकिन आप लोगों ने आप वोट दिया है सबसे ज़्यादा रविंद्र जडेजा को, जिनकी पिछले अगर हम 2 सालों की बल्लेबाजी देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है और निखर कर इनका प्रदर्शन सामने आ रहा है। चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं हम। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द डिकेड इन ODI क्रिकेट, इसके नॉमिनीज़ हैं MS धोनी, कुमार संगकारा और क्विंटन डी कॉक। तो मैंने यहाँ वोट दिया है MS धोनी को, तो मैं कौन होता हूँ यहाँ वोट देने वाला। आप लोगों ने जो प्यार दिया है इसमें, आपने 20 कमेंट किए थे जिनमें से 19 MS धोनी के लिए थे और एक कुमार संगकारा के लिए था। तो MS धोनी को आपने वोट दिया है फॉर द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द डिकेड, तो मैंने भी MS धोनी को ही सिलेक्ट किया है सबसे बढ़िया विकेट कीपर पिछले डिकेड में। तो ये कुछ अवार्ड्स है इस पिछले दस सालों के, तो ये हमारे साल की और इस डिकेड की आखिरी वीडियो है हमारे चैनल पर। आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे, ये कामना है हमारे चैनल की। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।